हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक है आपका मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो हम कैसे किस मेथड से मेजर करते हैं और उनका प्रिंसिपल क्या है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, कि मैग्नेटिक मूवमेंट का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्यूरी टेम्परेचर, नाइल टेम्परेचर या मैग्नेटिक एक्सचेंज, ये सब आपको इस टॉपिक में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहला हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो जनरली हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास मेन दो मेथड है वो है आपका फराडे मेथड, दूसरा आपका है गॉय मेथड। ये दो मेथड है जो कि हम यूजुअली इंप्लॉय करता है फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, दोनों मेथड एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। कि प्रिंसिपल क्या है आपका, आप मैग्नेटिक फील्ड आपको अप्लाई करना है आपकी मटेरियल पे या आपकी सैंपल पे जिसका आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालना है। जब आप इन पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसके बाद वहां से आपको निकालना है इनका वेट ऑफ द सैंपल, फर्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दूसरा है आपका इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आपका सैंपल का वेट कितना है और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में आपके सैंपल का वेट कितना है, वहां से फिर आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम प्रिंसिपल कैसे काम। तो ये दोनों मेथड जो है बोथ मेथड इज बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ सैंपल by an inhomogeneous magnetic field and both of them involving measuring the weight of sample, sample का आपको क्या करना है, weight निकालना है in the presence of a sample or substance in the presence or and absence फील। दोनों मेथड में क्या होता है कि आप उस सैंपल पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों सैंपल का, दोनों मेथड में आपका आपकी सैंपल का वेट निकालना है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का उस सैंपल पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है वेट पे। तो आपको इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेट निकालना है और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका वेट निकालना है। हाउएवर, अब पहले हम डायग्राम देखते हैं कि एक फ्राइडे मेथड का डायग्राम दिखाते हैं कि कैसे आप इस मेथड से आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकाल सकते हैं या आप वेट निकाल सकते हैं। तो फ्राइडे मेथड
मेथड का और जो अपरेटस है वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये बेस है, ठीक है। इस पे आपका ऐसे क्या होगा, मैग्नेट होंगे, ठीक है। सिमिलरली इस साइड से भी आपका यहां पे क्या होगा, मैग्नेट होंगे। ये दोनों क्या है, मैग्नेट है, ठीक है। अब यहां पे आपका इलेक्ट्रो बैलेंस होंगे, बैलेंस होंगे, इलेक्ट्रो बैलेंस होंगे, ये आपका वेट बताएगा, ठीक है। यहां से फिर आपका इस तरह सिंपल लटका के होंगे इधर, ठीक है, लटका के होंगे इधर। तो यहां पे इस सैंपल का वेट ये बताएंगे, जब पहले इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना इसके सैंपल का क्या है वेट है, और जब इसका आपका मैग्नेटिक फील्ड आप स्टार्ट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इस सैंपल का वेट कितना है। तो ये इलेक्ट्रो बैलेंस आपको क्या बताएगा, वेट बताएंगे, ठीक है। ये फराडे मेथड का क्या है, सेटअप है, ठीक है। अब इन दोनों मेथड में से आपका फराडे मेथड का दो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्टिव एडवांटेज है, दोनों मेथड एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इसमें कोई दो नहीं है, ठीक है, दो प्रिंसिपल नहीं है। अब इन दोनों मेथड का अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां पे फराडे मेथड का दो द फराडे मेथड हैव टू डिस्टिंक्टिव एडवांटेज ओवर गॉल मेथड, इसीलिए लोग ज्यादातर फराडे मेथड को प्रेफर करता है। एक एडवांटेज क्या है कि साइज ऑफ सैंपल, सैंपल कितना चाहिए उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो अगर फराडे मेथड की बात करें थे, ठीक है, फराडे मेथड इन्वॉल्व सेवरल मिलीग्राम्स ऑफ सैंपल, फराडे मेथड में आपको बहुत कम सेवरल मिलीग्राम्स ऑफ सैंपल पे आप मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। वेयर इज अगर आप गॉ मेथड की बात करें, ठीक है, गॉ मेथड यूजेस 1 ग्राम ऑफ सैंपल, तो यहां पे क्या है, फराडे मेथड में बहुत कम सैंपल चाहिए, इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं फराडे मेथड को। वेदर अगर गॉ मेथड की बात करें तो उसमें आपको 1 ग्राम सैंपल लेना होता है। तो ये जो सैंपल प्रिपरेशन है, जो अगर बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस में आपका बहुत कम सैंपल बनते हैं, तो वहां पे आपका फराडे मेथड इस गॉ मेथड से क्या है, आपके लिए फायदेमंद है। पहला मेथड ये है, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि फराडे मेथड में स्पेसिफिक और मास ससेप्टेबिलिटी, फराडे मेथड की अगर हम बात करें तो फराडे मेथड में इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली आपको स्पेसिफिक ससेप्टेबिलिटी का वैल्यू देता है, ठीक है, ठीक है। वेयर इज गॉ मेथड ये क्या देगा आपको, वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी, फराडे मेथड आपको डायरेक्ट स्पेसिफिक या मास ससेप्टेबिलिटी का वैल्यू देगा, वेयर इज गॉ मेथड आपको वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी का वैल्यू देता है, विच हैज टू बी कन्वर्टेड कन्वर्टेड टू स्पेसिफिक ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी से बाद में स्पेसिफिक ससेप्टेबिलिटी में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, जहां पे आपको काई इज इक्वल टू के अपान डी, इस मेथड से, ठीक है। इस इक्वेशन से आपका वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी को आपके स्पेसिफिक ससेप्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना होता है,
बट यहां पे जो डेंसिटी है, सॉलिड का डेंसिटी निकालना आपको थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आपका एक्यूरेट उतना वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि जो डेंसिटी है वो डिपेंड करता है आपकी पैकेजिंग ऑफ द सॉलिड। सॉलिड में आपका पैकेजिंग कैसे किया हुआ है उस पे डिपेंड करता है डेंसिटी। तो एक्यूरेट डेंसिटी आप उस सॉलिड का नहीं निकाल सकते हैं। तो जब आप एक्यूरेट डेंसिटी नहीं निकालेंगे तो आपकी स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू में भी क्या होगा, वेरिएशन आएंगे, डिफरेंस आएंगे। तो इसीलिए लोग प्रेफर करता है फराडे को, क्योंकि फराडे मेथड डायरेक्टली आपको स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये दो फायदे हैं फ्राइडे मेथड का, एक तो सैंपल बहुत कम लेता है, दूसरा ये डायरेक्ट ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू देता है। तो ये दो एडवांटेज से लोग ज्यादा प्रेफर करता है फ्राइडे मेथड और गॉस मेथड, ठीक है। तो ये है आपका कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आप कैसे मेजर करते हैं। तो फिर पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को फिर बाद में आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स या मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ किस किस इक्वेशन के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको पिछले लेक्चर का वीडियो देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होता है। तो सबसे पहले आपका, ठीक है, 1895 में, ठीक है, एक साइंटिस्ट था पेरी क्यूरी। पेरी क्यूरी ने 1895 में पेरी क्यूरी ने एस्टेब्लिश किया कि जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, पेरी क्यूरी इन 1895 एस्टेब्लिश इट दैट पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आप काई से डिनोट करता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके थ्रू, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पेरी क्यूरी ने 1895 में यह एस्टैब्लिश किया कि आपका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, ठीक है। देयरफॉर Km इज इक्वल टू 1/T, कि आपका पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटेगा, आपका टेम्परेचर कम होगा पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगा, क्यों, वो हमने पहले लेक्चर में बताया कि थर्मल मोशन की वजह से। जैसे जैसे आपका थर्मल मोशन बढ़ेगा उतना रैंडमनेस बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा तो आपका पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं क्यूरीज लॉ, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज क्यूरीज लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होता है, इस लॉ को हम कहते हैं क्यूरी लॉ, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि ये क्यूरी लॉ सारा मटेरियल फॉलो करता है या नहीं करता है। अब ये जो क्यूरी लॉ है, पैरामैग्नेटिक मैक्सिममली पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस इस लॉ को फॉलो करता है अगर वो सबस्टेंस मैग्नेटिकली डाइल्यूट होगा, तो ठीक है, द क्यूरीज लॉ इज ओबेड बाय फेयरली वेल बाय पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस that are magnetically dilute। ये टर्म अब यहां पे आ गया, ठीक है। क्यूरीज लॉ बहुत अच्छे से पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस फॉलो करता है अगर वो सबस्टेंस मैग्नेटिकली डाइल्यूट होगा। तो
अब ये मैग्नेटिकली डाइल्यूट का मतलब क्या है, ठीक है, ये वो सबस्टांसेस है, ठीक है, इन विच द पैरा मैग्नेटिक सेंटर्स, पैरामैग्नेटिक सेंटर्स आर वेल सेपरेटेड बाय सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डायमैग्नेटिक एटम्स. अब यहां पे ये जो मैग्नेटिकली डाइल्यूट का मतलब क्या है कि ये वो सबस्टांसेस है जिसमें आपका जो पैरामैग्नेटिक सेंटर्स है वो एक दूसरे के साथ वेली सेपरेट किया होगा डायमैग्नेटिक एटम से. ये अगर आपका पैरामैग्नेटिक सेंटर्स है तो इनके बीच में आपका डायमैग्नेटिक एटम से एक दूसरे से वेल सेपरेट होना चाहिए. ऐसे सबस्टांसेस को हम कहते हैं मैग्नेटिकली डाइल्यूट, मैग्नेटिकली डाइल्यूट, ठीक है. तो अगर ऐसा सबस्टेंस होगा, मैग्नेटिकली डाइल्यूट होगा, तो आपका क्यूरी लॉ क्या करेंगे, वेली फॉलो करेंगे. तो अगर मैग्नेटिकली डाइल्यूट नहीं होगा तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आ जाता है, ठीक है. अगर मैग्नेटिकली डाइल्यूट नहीं होगा तो यहां पे क्या हो जाता है कि जो नेबरिंग जो एटम्स के पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, कपल हो जाता है. यहां पे अगर नेबरिंग पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो इसके साथ कपलिंग हो जाता है और इस कपलिंग को आप कहते हैं मैग्नेटिक एक्सचेंज. क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सचेंज, ठीक है. तो मैग्नेटिकली डाइल्यूट आपको समझ में आएंगे जहां पे आपका पैरामैग्नेटिक सेंटर्स एक दूसरे के साथ वेली सेपरेट किया होता है आपका जो डायमैग्नेटिक एटम्स है, ठीक है. तो अगर नहीं होगा तो ठीक है, इन मटेरियल्स डेट आर नॉट डाइल्यूट. मैग्नेटिकली अगर डाइल्यूट नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन स्पिन्स ऑन नेबरिंग एटम्स अगर मैग्नेटिकली डाइल्यूट नहीं होगा, अगर पैरामैग्नेटिक सेंटर्स को वेली डायमैग्नेटिक एटम सेपरेट नहीं करके होंगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका स्पिन इस वाले स्पिन के साथ क्या करेगा, कपल कर जाएगा, ठीक है, कपल विच इज अदर, जिससे हम कहते हैं ए फेनोमेनन नून इज मैग्नेटिक. ये वाला टर्म आपको ध्यान में रखना है, मैग्नेटिक एक्सचेंज. ऐसे टर्म्स, ऐसे फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सचेंज, कि नेबरिंग पैरामैग्नेटिक सेंटर्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, स्पिन कपल हो जाता है, ठीक है. तो अगर तो यहां पे तो हमने देखा कि अगर मैग्नेटिकली डाइल्यूट है तो वो क्यूरीज लॉ को क्या कर रहा है, अच्छे से फॉलो कर रहा है. अगर नॉन मैग्नेटिकली डाइल्यूट मटेरियल्स है तो उसके लिए टेम्परेचर और पैरा जो मैग्नेटिक मूवमेंट का रिलेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे. तो ऐसे सबस्टांस के लिए, ऐसे मटेरियल के लिए जो कि मैग्नेटिकली डाइल्यूट नहीं होगा, उनके लिए हम थोड़ा स्लाइडली मॉडिफाइड लॉ से हम रिलेट करता है, जिसे हम कहते हैं क्यूरी वाइस लॉ, क्यूरी वाइस लॉ, ठीक है. Such materials can be treated with a slight modified law known as Curie-Weiss law.
क्यूरी वाइस लॉ क्या है फिर? ये बताता है कि काय एम इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस थीटा। सी अपॉन टी पहले क्या था? वन अपॉन टी, जो आपका पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां भी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ एक नया टर्म आ रहा है, वो थीटा क्या है। ये आप थीटा क्या है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, थीटा इज कांस्टेंट, और इसका यूनिट क्या है? विथ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या है? यूनिट के साथ ये आपका क्या है? एक कांस्टेंट है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर सबस्टांस मटेरियल मैग्नेटिकली डाइल्यूट है तो वो क्यूरीज लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक मूवमेंट टेम्परेचर के डिपेंडेंस रहेंगे, जो कि मैग्नेटिक मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन अगर सबस्टेंस आपका मैग्नेटिकली डाइल्यूट नहीं होगा तो वहां पे नेबरिंग स्पिन्स क्या हो जाता है? कपल हो जाता है, और इस फेनोमेना को हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सचेंज। तो ऐसे मटेरियल आपके टेम्परेचर के साथ रिलेट करता है एक नया लॉ के साथ, मॉडिफाइड लॉ के साथ, जिसको हम क्यूरी वॉइस लॉ कहते हैं, वेयर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस थीटा। ठीक है, सी अपॉन टी माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा लॉ है, क्यूरी वॉइस लॉ, जिससे आप मैग्नेटिक मूवमेंट और आपकी टेम्परेचर का डिपेंडेंस शो कर सकता है। आइए देखते हैं क्या होता है फिर। अब यहां पे क्या होता है? मैग्नेटिक एक्सचेंज हमने देखा कि वहां पे क्या होता है, नेबरिंग एटम्स का स्पिन क्या हो जाता है, एक दूसरे के साथ कपल हो जाता है। अब अगर कपल, अगर जो मैग्नेटिक स्पिन्स का कपल अगर ऐसा हो कि वो पैरेलल अलाइनमेंट आपका करता होगा, ठीक है, मैं जो स्पिन नेबरिंग कपलिंग्स का आपका असर ऐसा हो कि वो मैग्नेटिक अलाइंस को एक डायरेक्शन में करता होगा, तो वहां पे फिर आपका नया एक मैग्नेटिक सबस्टेंस अराइज होता है, जिसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस इफ द मैग्नेटिक एक्सचेंज की वजह से, ठीक है, इफ द इंट्रैक्टिंग मैग्नेटिक डायपोल्स टेंड टू अलाइन ए पैरेलल अरेंजमेंट tend to acquire a parallel alignment, the substance is ferromagnetic substance, ferromagnetic substance। अगर आपका मैग्नेटिक एक्सचेंज में मैग्नेटिक डायपोल्स नेबरिंग एटम्स पे एक पैरेलल अलाइनमेंट एक्वायर करता है इस तरह कि सारा मैग्नेटिक डायपोल्स क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में अलाइन होता है इस तरह, तो उस केस में आपको क्या बनेंगे? आपका फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस बनेंगे। दो था आपका पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तीसरा आपका जो कि स्ट्रॉन्गली अटैक करता है मैग्नेटिक फील्ड में, बहुत स्ट्रॉन्गली अटैक करता है, ऐसे सबस्टेंस को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। अगर आपका अलाइनमेंट, इफ ऑन द अदर हैंड, अगर आपका मैग्नेटिक मूवमेंट डायपोल्स का नेबरिंग एटम्स पे अलाइनमेंट आपका पैरेलल अलाइनमेंट नहीं है, एंटी पैरेलल अलाइनमेंट अगर वहां एक्वायर करता है, तो आपका नया जो सबस्टांस बनता है, जिसे हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं, ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, द टेंडेंसी इज फॉर एंटी पैरेलल अलाइनमेंट।
अलाइनमेंट, या इसको आप अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ द कपल इट्स पिंस। Substance is said to be anti-ferromagnetic. इससे सबस्टांस को फिर हम क्या कहेंगे, anti-ferromagnetic. तो यहां पे आपको पता चले कि मैग्नेटिक एक्सचेंज का इंपॉर्टेंस क्या है. अगर मैग्नेटिक एक्सचेंज में अगर डायपोल्स या मैग्नेटिक डायपोल एक पैरेलल अलाइनमेंट एक्वायर करता है तो आपका एक नया सबस्टांस बनता है जिसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक. ये वाला मटेरियल आपका स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, और इसमें अरेंजमेंट कैसे होगा आपका एंटी पैरेलल. ये वाला अगर आपका इस डायरेक्शन में होगा तो ये आपका दूसरे डायरेक्शन में होगा, तीसरा इस डायरेक्शन में होगा तो चौथा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, पांचवा इस डायरेक्शन में होंगे, इस तरह. तो एंटी पैरेलल अलाइनमेंट आपका अगर मैग्नेटिक एक्सचेंज की वजह से होता है तो ऐसे सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एंटी फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं, ठीक है. तो ये दो आपका ये आपका फिर वीकली अट्रैक्ट करता है, ठीक है, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. ये एक आपका फेरोमैग्नेटिक है जिसमें इस तरह का अलाइनमेंट होता है जो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड रहता है. दूसरा एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ड्यू टू द मैग्नेटिक एक्सचेंज द एंटी पैरेलल अलाइनमेंट वी गेट न्यू मैग्नेटिक मटेरियल व्हिच इज नोन एज एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है. अब यहां पर आप हमने देखा कि जो हमारा मैग्नेटिक एक्सचेंज की वजह से, एक तो मैग्नेटिक एक्सचेंज की वजह से इस तरह पैरेलल अलाइनमेंट की कोशिश करता है, लेकिन इसी के साथ साथ सबस्टेंस में आपका दूसरा एक वो है जो टेंडेंसी है जिसे हमने थर्मल मोशन कहा था, वो क्या करता है, वो रैंडमनेस करने की कोशिश करता है. अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाता है. मैग्नेटिक एक्सचेंज आपका पैरेलल अलाइनमेंट करने की कोशिश करता है, अब यहां पे आपका जो सबस्टेंस का इंटरनल थर्मल मोशन है वो रैंडमनाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है. तो देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है. फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक आपको समझ में आए होंगे. अब ऐसे मटेरियल्स में कंपटीशन रहता है मैग्नेटिक एक्सचेंज और थर्मल मोशन के बीच में, ठीक है. In any material that exhibit magnetic exchange, कोई भी material जिसमें आपका magnetic exchange होता हो, जो कि हमने पहले देखा था, ठीक है, यहां पे competition होता है किसके बीच में, the tendency towards spin alignment will compete, किसके साथ compete करेंगे, with the thermal tendency, favoring spin randomness. ऐसे मटेरियल्स में जिसमें मैग्नेटिक एक्सचेंज होता है, जो कि मैग्नेटिक एक्सचेंज एक्सिबिट करता है, इनमें दो चीज के बीच में कंपटीशन हो जाता है. एक तो मैग्नेटिक एक्सचेंज स्पिन अलाइनमेंट करने की कोशिश करता है, दूसरा जो मटेरियल का थर्मल टेंडेंसी है वो स्पिन को रैंडमनाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है. तो ऐसे सारे मटेरियल्स में एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसके नीचे आपको क्या होगा, आपका मैग्नेटिक एक्सचेंज डोमिनेट करेंगे. ऐसे मटेरियल्स में एक टेम्परेचर ऐसा होगा जिसके अंदर मैग्नेटिक आपका जो एक्सचेंज है वो डोमिनेट करेगा, ठीक है. इन ऑल केसेस ऐसे मटेरियल में एक केस ऐसा होगा कि एक टेम्परेचर ऐसा होगा, ठीक है, देयर विल बी अ टेम्परेचर
below which the magnetic exchange डोमिनेट, उस टेम्परेचर के नीचे मैग्नेटिक एक्सचेंज क्या होगा, डोमिनेट्स होगा, वहां ज्यादा मैग्नेटिक एक्सचेंज होंगे। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, दिस टेम्परेचर इस नून इज क्यूरी टेम्परेचर, क्या कहेंगे, सी यू आर आई, क्यूरी टेम्परेचर, जिसे हम टी सी डिनोट करता है। क्यूरी टेम्परेचर हम तब कहेंगे कि अगर मैग्नेटिक एक्सचेंज आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रिजल्ट करता है, ठीक है। दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर इफ द टाइप ऑफ एक्सचेंज इज फेरोमैग्नेटिक। अगर टाइप ऑफ एक्सचेंज आपका फेरोमैग्नेटिक है तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। अगर यही टाइप ऑफ एक्सचेंज फेरोमैग्नेटिक है तो हम कहते हैं नील टेम्परेचर। एंड इफ द टाइप ऑफ एक्सचेंज इज एंटी फेरोमैग्नेटिक, the temperature is known as Neel temperature, क्या कहते हैं, NEEL, Neel temperature, जिसे हम TN से denote करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे materials में जिसमें magnetic exchange होता है वहां दो factor के बीच में competition होता है, एक magnetic exchange मैग्नेटिक मूवमेंट को अलाइन करने की कोशिश करता है या फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में, दूसरा जो मटेरियल कैसल है थर्मल मोशन है वो मैग्नेटिक मूवमेंट्स को रैंडमनाइज करने की कोशिश करता है, इधर उधर करने की कोशिश करता है। तो ऐसे केस में एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि टेम्परेचर ऐसा आता है कि जिसके नीचे आपका मैग्नेटिक एक्सचेंज डोमिनेट करता है, तो इसमें अगर आपका फेरोमैग्नेटिक है तो फेरोमैग्नेटिक है तो इसको हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, अगर आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक है तो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नील टेम्परेचर, टीएन से डिनोट करता है, क्यूरी टेम्परेचर को आप टीएन से डिनोट करता है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर के नीचे जब आपका TN और TC आ जाता है, इस टेम्परेचर में के नीचे आपका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का चेंज ड्रामेटिक होता है, ठीक है। ये आपका बहुत ड्रामेटिकली यहां पे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी चेंज हो जाता है बिलो दिस टेम्परेचर। यह आपका TC है अगर फेरोमैग्नेटिक है और आपका TN है इंटू एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, बिलो दिस टेम्परेचर टेम्परेचर या आपका क्या है TC है और TN है, द चेंज इन मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इस ड्रामेटिक, यहां पे आप ड्रामेटिकली आपका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है इस टेम्परेचर के नीचे। फेरोमैग्नेटिक में आपका TC, क्यूरी टेम्परेचर के नीचे आपका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है, और एंटी फेरोमैग्नेटिक में आपका नील टेम्परेचर में, नील टेम्परेचर के नीचे आपका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या हो जाता है, ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को टेम्परेचर के अगेंस्ट ड्रॉ करते हैं तो आपका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऐसे बिहेव करता है, एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर रखेंगे केल्विन, यहां पे आपका क्या रहेगा मैग्नेटिक, वाई एक्सिस पे ससेप्टेबिलिटी का है। तो आपका डायमैग्नेटिक तो आपका स्ट्रेट चेंज हो जाता है विद राइज इन टेम्परेचर, आपका ऐसा चेंज हो जाता है डाया मैग्नेटिक सबस्टांसेस, स्ट्रेट जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसी पैरेलल आपका डायरेक्शन में चेंज होगा, ठीक है। तो अगर एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे, एक टेम्परेचर तक आपका जिसे हम नील टेम्परेचर कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बढ़ता है, फिर उस टेम्परेचर के बाद आपका घट जाता है इस तरह,
ये आपका क्या है, एंटी फेरो मैग्नेटिक सबस्टांस के लिए है। इस टेम्परेचर को हम, पीक टेम्परेचर को हम टी एन से डिनोट करता है, नील टेम्परेचर के, क्योंकि हमने कहा कि बिलो दिस टेम्परेचर द चेंज इन मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज ड्रामेटिकली चेंज। ठीक है, ये एंटी फेरो मैग्नेटिक जो सबस्टांस है ऐसे बिहेव करता है। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस आपका स्लोली स्लोली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। कहा क्यों, हमने कहा थर्मल मोशन की वजह से। ये पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस की बिहेवियर है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, चेंज इन मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी विद टेम्परेचर, ऐसे ग्राफ आपका आता है। और फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस की बात करते हैं तो वो पहले ऐसे कॉन्स्टेंट रहता है, फिर स्लाइडली आपका कम हो जाता है, ठीक है, और टीसी के बाद आपका फिर ये कॉन्स्टेंट टाइप हो जाता है। ये है आपका क्यूरी टेम्परेचर, ये है आपका फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंस की बिहेवियर इन विथ ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी विथ टेम्परेचर। तो ये है आपका कुछ केसेस जहां आप मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और आपका विथ टेम्परेचर कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक मूवमेंट या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये सब आपको छोटे छोटे टर्म्स, क्यूरी टेम्परेचर, नील टेम्परेचर, या किसे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, डायमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होता है। ठीक है, तो विद दिस आपका मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांसक्शन मेटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।